इस तखासा करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। मेरी सजा करप्शन केस या कौमी खजाने की लुटमार से नहीं, सजा पाकिस्तान की 70 साल तारीख का रुख मोड़न के जुर्म में दी गई। एहरिया के होश जांदियां ही वतन वापस पुजवे सा, नवाज शरीफ का ऐलान। जेल अपनी जदोजहद कायम रहा सा, लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत एवन फीड रेफरेंस का फैसला सुना दिता। नवाज शरीफ को 1,28,80,00,000 रुपए तो वध ते मरियम नवाज को 32 करोड़ रुपए जुर्माने ते एवन फीड प्रॉपर्टीज को भी बाहक सरकार जब्त करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद मरियम नवाज से कैप्टन सफदर इंतखाबी दौर तो भी आउट, 10 साल संगे ना अहल करार। मरियम नवाज एनए 127 से कैप्टन सफदर मानसहरा के हलका एनए 14 तो नून लीग के उम्मीदवार हैं। नून लीग एहतसाब अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिता। अदालती फैसला तारीख सियाह अल्फाज लिखा हुए थे। एवन फील्ड से ऑफशोर कंपनी नवाज शरीफ का ना कहन ही मुकदमे कोई ठोस कानूनी दस्तावेज मुहैया करनी की गई। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।